एशिया कप 2023 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सुपरचार के पहले मुकाबले में पाक गेंदबाजों का दबदबा रहा। बांग्लादेशी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 38.4 ओवर में 193 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 194 रन का टारगेट मिला है। पाकिस्तान के लिए हारिस रौफ ने 4 और नसीम शाह ने 3 विकेट झटके। शुभमन गिल और ईशान किशन ने वनडे करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल कर ली है। ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ 82 रन की पारी खेलकर बल्लेबाजों की रैंकिंग में वो 24वें स्थान पर पहुंच गए। वहीं बाबर आजम और आसिफ अंडे डूसेन के बाद शुभमन गिल ओडीआई रैंकिंग में तीसरे पायदान पर पहुंच गए। साउथ अफ्रीकी टीम का वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए ऐलान कर दिया गया है। टीम में क्विंटन डिकॉक को जगह मिली है, लेकिन क्विंटन डिकॉक ने वनडे वर्ल्ड कप के बाद संन्यास का फैसला किया है। आईसीसी की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है और क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने भी उनके इस फैसले की जानकारी शेयर की। क्विंटन डिकॉक ने 2013 में साउथ अफ्रीका के लिए वनडे में डेब्यू किया था और ये उनका तीसरा और आखिरी वनडे वर्ल्ड कप होगा। श्रीलंका के खिलाफ अफगानिस्तान को 2 रनों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस मैच में अफगानिस्तान के लिए मोहम्मद नबी ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक लगाया। नबी ने सिर्फ 24 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। मैच में उन्होंने कुल 65 रन बनाए, लेकिन वे अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 2 रनों से हरा कर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका ने एशिया कप के आखिरी लीग मैच में अफगानिस्तान के सामने 292 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे अफगानिस्तान की टीम हासिल नहीं कर पाई और 289 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। श्रीलंका के लिए कुशल मेंडिस ने 92 रन की पारी खेली। उनकी शानदार पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता एचएस प्रणॉय मलेशिया के एनजी तायोंग से 3 गेम तक चले मैच में हारकर चाइना ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में बाहर हो गए। वहीं लक्ष्य सेन भी पहले दौर से आगे नहीं बढ़ पाए। उन्हें डेनमार्क के एंडरसन के सामने 21-23, 21-16 और 19-1 से हार झेलनी पड़ी। ये मैच 1 घंटा 18 मिनट तक चला। एशिया कप 2023 में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 2 रनों से मात दी। श्रीलंका क्रिकेट टीम की वनडे क्रिकेट में लगातार 12वीं जीत है। श्रीलंका ने वनडे क्रिकेट इतिहास में लगातार 12वां मैच जीता है। वहीं श्रीलंका ने वनडे क्रिकेट में बिना मुकाबला हारे 12 मैच खेल लिए हैं। इससे श्रीलंका ने पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की बराबरी कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। पैट कमिंस को टीम का कप्तान बनाया गया है। टीम में एलेक्स कैरी और जॉश इंग्लिश को बतौर विकेटकीपर टीम में शामिल किया गया है। वनडे वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड इस प्रकार है। पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी, जॉश इंग्लिश, सीन अबॉट, एस्टन एगा, कैमरन ग्रीन, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टॉइनिस, डेविड वार्नर, एडम जैम्पा, मिचेल स्टार्क। भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को रियाद में जारी वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप से नाम वापस लेना भारी पड़ गया है। उन्होंने हाल ही में इस महीने शुरू होने वाले एशियन गेम्स की तैयारी के लिए कदम उठाया था। उनकी गैर मौजूदगी में चीन की वेटलिफ्टर जियांग हुईहुआ ने उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चानू ने 2021 में एशियाई चैंपियनशिप में 119 किलोग्राम का वजन उठाकर 49 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अब मौजूदा वर्ल्ड चैंपियनशिप में हुईहुआ ने 120 किलोग्राम का वजन उठाकर नया रिकॉर्ड बना लिया है। एशिया कप 2023 के सुपर 4 में कुल 6 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से पहला मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 6 सितंबर को बुधवार के लाहौर में खेला जाएगा। इसके अलावा सभी 5 मैच कोलंबो में होने थे। बारिश और मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए इन मैचों के वेन्यू में बदलाव करने की आशंका जताई जा रही थी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मंगलवार को एशिया कप के सुपर 4 के मुकाबले और फाइनल मुकाबले कोलंबो में कराने का फैसला किया है, क्योंकि आने वाले दिनों में श्रीलंका की राजधानी में मौसम बेहतर होने के संकेत मिले हैं।